हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सबसे सरल शत्रु का, सबसे खतरनाक, सरल है लेकिन सबसे खतरनाक है, शत्रु के कपड़े से ही शत्रु का नाश। यदि आपके पास शत्रु का कोई पुराना मैला कुचेला कपड़ा बिना धुला हुआ या धुला हुआ भी चलेगा, अगर आपके पास में कुछ कपड़ा है अगर शत्रु का, तो उस कपड़े से आप शत्रु का ऐसा एक खतरनाक सर्वनाश, शरीर की क्रिया के ऊपर, शरीर के ऊपर ऐसा तंत्र प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास में बहुत से कॉल आते हैं कि गुरु जी, मेरे शरीर में कोई पिन चुभ रहा है, या मेरे शरीर में कोई कीड़ा रेंग रहा है, या मेरे शरीर में कोई ऐसी क्रिया चल रही है। तो ऐसा आभास तब होता है जब शत्रु आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया करता है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आने वाले प्रोग्राम में इस क्रिया का जो काट रहेगा वो मैं बताऊँगा। ये शत्रु नाश की क्रिया, शरीर का सर्वनाश करना, ये क्रिया एक अलग क्रिया है। और किसी के शरीर में अगर जिन भेज देते हैं और जिन उसके साथ में गलत काम करता है, इस प्रकार का प्रयोग भी लोग हम लोग करवाते हैं। मेरे पास में बहुत से कॉल आते हैं कि गुरु जी, मेरे साथ में एक ऐसी जिन है शरीर में जो मेरे साथ गलत काम करता है या ऐसा क्रिया करता है। बहुत से कॉल आते हैं। तो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ कि शत्रु के कपड़े से शत्रु नाश क्रिया आप किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए आप शत्रु का कपड़ा ले लीजिए, कोई भी पुराना, और इस प्रकार की गुड़िया बनानी है जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। ये क्रिया दोस्तों किसी निर्दोष के ऊपर नहीं करना है। जब आपको कानूनी सामाजिक न्याय नहीं मिलता है और शत्रु आपके ऊपर बहुत हैवी हो गया है, बहुत उसकी पॉलिटिशियन में पहुँच है, बहुत उसकी ऊपर की पहुँच है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस शत्रु का आप क्रिया करने के लिए आप इस प्रकार से शत्रु का एक पुतला बनाना है। इस प्रकार से छोटा सा पुतला बना लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि तंत्र मंत्र में पुतले का बहुत महत्व है। इस प्रकार से बस एक काला धागा और इस प्रकार से गुड़िया, इस प्रकार से आकार 2 मिनट में बन जाएगा। कोई ज़्यादा नहीं है, ये प्रयोग आजमाया हुआ है, सफल है और सिद्ध है। ये देखो, इस प्रकार से ऐसी गुड़िया 2 मिनट में आप बना लेंगे। और फिर आपको लेना है एक कच्चा नमक। इस प्रयोग से उसका शरीर ऐसे फूट जाएगा, शरीर में कोड कोड फूट जाएंगे और शत्रु आपका तिल तिल करके मरेगा। 4-6 महीने लगेंगे उसको बिस्तर पर गिरने के बाद में, और वो शत्रु हमेशा लाइलाज बीमारी लग जाएगी उसको। कोई भी गंभीर बीमारी चर्म से संबंधित लगेगी, शरीर की जो रक्त धमनियां हैं वो फट जाएगी अंदर से, ऐसी खतरनाक प्रयोग। और वो जो डॉक्टर के पास जाएगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझ पे कौन सी क्रिया की गई है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है, जब रिपोर्ट कराते तो सामान्य आती हैं, लेकिन ये क्रिया इस प्रकार से होती है। शनिवार के दिन आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले कलर के वस्त्र पहन के रात को 12 से 3 बजे बैठना है। शनिवार और रविवार, शनिवार की रात रहेगी और रविवार 12 बजे के बाद रविवार लग जाएगा। शनिवार और रविवार का समय बीच का समय होना चाहिए। एक आपको ऐसा कच्चा खोल वाला नारियल लेना है ऐसा, फिर उसको काट दीजिए आप। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, फटाफट आपको ये साधना बताता हूँ। इस प्रकार से आप काट लीजिए और उसके अंदर आप सबसे पहले थोड़े से उड़द ले लीजिए, एक मुट्ठी उड़द ले लीजिए। थोड़ा सा आप इसमें लौंग डाल दीजिए और थोड़ी काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़े काले तिल डाल दीजिए। ये सब का मिश्रण करके आप शत्रु के नाम लेके और हाथ में लेके, ये सब चीज़ों को हाथ में लेके आप माँ भद्रकाली से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये माँ भद्रकाली की शत्रु सर्वनाश क्रिया है कि हे माँ काली, आज शनिवार अमुक नक्षत्र, अमुक तिथि, अमुक समय में मैं जो ये रात्रि मेरे परम शत्रु के ऊपर ये जो क्रिया करने जा रहा हूँ, ये क्रिया मेरी सफल और सिद्ध हो, जय माँ भद्रकाली। ऐसा बोल के आप ऐसे खोल के अंदर नारियल में डाल दीजिए। फिर उसका पुतला, जिस शत्रु का आप कपड़ा आपने लिया है उसका ऐसा पुतला बनाइए और उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों नमक डाल दीजिए। इस प्रकार से कच्चा नमक चाहिए,
इससे शरीर का अंग अंग जलने लगेगा। उसको शत्रु को शरीर में एक प्रकार की हमेशा अग्नि महसूस होगी, मेरा शरीर जल रहा है। चाहे कितनी भी एसी में ठंडक में बैठेगा तो उसको कोई प्रकार का राहत नहीं मिलेगी। ये ऐसी खतरनाक शत्रु क्रिया है। इस प्रयोग को बताने से मैं बार बार कतरा रहा था, कहीं इस प्रयोग का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करें। ये काली बीज मंत्र साधना इसमें प्रयोग में लगेगी। एक आप माँ काली के लिए दीपक जला लीजिए और फिर अच्छा सा धूप जला लीजिए, और ये आपने संकल्प ले लिया, फिर से एक बार संकल्प ले लीजिए कि हे माँ भद्रकाली, मैं मजबूरी में यह साधना मेरे शत्रु के ऊपर, जिसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, और मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। इस प्रयोग में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो हे महाकाली, हमें क्षमा करें और मेरी पूजा विधि को सफल बनाए। ऐसे करके आप थोड़े पुष्प छोड़ लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ धूप जला लीजिए और कुछ कपूर उसमें जला लेना है, नारियल के अंदर जला लेना है कपूर। कपूर जलाने के बाद में दोस्तों मंत्र, जो महाकाली का प्रमुख बीज मंत्र है, इसका 108 बार मंत्र बोलकर, यह मंत्र बोलकर शत्रु के ऊपर प्रयोग करना है। कपूर जलाने के बाद में आप मंत्र बोलेंगे, काली का बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, अमुक शत्रु दह दह हन हन स्वाहा। और फिर उसके बाद में आप माला से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मंत्र बोल सकते हैं। काउंटिंग के लिए माला ले सकते हैं, नहीं तो आप कुछ 108 पत्थर ले लीजिए, अकीक के पत्थर, या कोई काउंटिंग के लिए काउंटिंग की मशीन ले लीजिए, जो भी हो, वॉट एवर जो भी आपके पास में है। और मंत्र बोलिए, ओम क्रीम कालिके नमः, अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। शत्रु का आप मन में, प्रकृति के मन में ध्यान करेंगे कि आप किस शत्रु का आप उच्चाटन मारण या शत्रु सर्वनाश क्रिया करने जा रहा है। जो आप संकल्प लेंगे वही संकल्प उस पे लागू होगा। अगर आप उच्चाटन करना चाहते हैं तो उच्चाटन बोल लीजिए कि शत्रु पागल हो जाए। आप शत्रु बिस्तर पे गिर जाए तो आप बिस्तर का संकल्प ले लीजिए कि शत्रु बिस्तर पे गिर जाए, या शत्रु का सर्वनाश हो जाए शरीर का। अगर सर्वनाश बोलेंगे तो फिर उसके शरीर में अंग अंग फूट जाएगा, उसका कोढ़ी हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, या उसके शरीर में इस प्रकार का एक जीव जंतु चलेगा जैसे कीड़ा मकोड़ा उसके शरीर में चल रहा है। ये क्रिया भी हो सकती है। शरीर के बाल झड़ जाएंगे, शरीर का अंग भंग हो जाएगा, उसका छिन्न भिन्न हो जाएगा शरीर का। शरीर के अंदर 108 बीमारियां लग जाएगी, लाइलाज बीमारियां। ये प्रयोग इतना खतरनाक है, महाकाली तंत्र साधना। यदि आपको कोई भी प्रकार की इस प्रयोग करने में अगर आपको हमारी सहायता है चाहिए तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सबसे खतरनाक शत्रुनाशक क्रिया है दोस्तों। भूल में भी किसी निर्दोष के ऊपर प्रयोग के लिए नहीं आजमाएं कि ये प्रयोग होता है कि नहीं होता है, टेस्ट करने के लिए। ये प्रयोग 100% होता ही होता है। फिर आप 108 आहुति पीली सरसों की, इसी मंत्र की दे देंगे इसमें, और कपूर जलता रहेगा। ओम ओम क्रीम कालिके नमः, अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। ओम क्रीम कालिके, अमुक शत्रु द द हन हन स्वाहा। कपूर अंदर डालते जाएंगे और पहले 108 मंत्र आप बोल लेंगे, फिर 108 पीली सरसों की आहुति के साथ में इसमें मंत्र बोलने के बाद में दोस्तों 108 और 108 दो बार मंत्र बोलेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। आपको बंद करने के बाद में इसको किसी भी धागे से या नाड़ा छेड़ी से बांध देंगे। जैसे आपकी साधना पूरी हो जाएगी फिर इसको आपको शनिवार के दिन और रविवार रात्रि, शनिवार को रात को करेंगे प्रयोग रात को, और रविवार के दिन रात्रि को वापस सूर्यास्त होने के बाद में आपको इसको इस प्रकार से बांधकर किसी भी सुनसान शमशान के किनारे, जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है, ध्यान रखिए दोस्तों बरगद का पेड़ है, उसी स्थान पर इसको डालना है। शमशान भी होना चाहिए, बरगद का पेड़। अमुक
99% जहाँ शमशान होता है वहाँ बरगद का पेड़ भी होता है। अमुक ये क्रिया ज़्यादातर गांव में की करते हैं। अगर आपके पास में कोई सिटी में आप शहर में रहते हैं तो इसको आप शमशान में सिर्फ डाल के आ जाएंगे, बिना कुछ बंद करेंगे, खड्डा खोदे बिना शमशान में आप रख पे आ जाएंगे तो भी ये क्रिया आपकी साधना सफल होती है, क्योंकि मशान की देवी महाकाली है ये, और ये साधना आपकी सफल होगी। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप घर बैठे हमसे तंत्र मंत्र सीखना चाहता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं घर बैठे आपको शत्रुनाश क्रिया, वशीकरण क्रिया, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हर तंत्र मंत्र आपको घर बैठे मैं सिखा सकूँ। मेरे पास में बहुत से कॉल आते हैं, गुरु जी मुझे ये सिखाइए, मुझे ये दीक्षा दीजिए, ये शिक्षा। मेरे पास में कोई समय रहता नहीं है कि मैं किसी को दीक्षा दूँ, शिक्षा दूँ। मैं घर बैठ आपको आराम से सब शिक्षा, जो भी मेरे पास में ज्ञान है वो मैं आपको अर्पित घर बैठे कर देता हूँ और आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।